क्वेश्चन में दिया है कि मैन इन्वेस्ट सम मनी कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 11%, और बोलता है कि 3 साल के बाद उसे 30012 रुपीज़ मिला बैंक से, तो हमें बताना है कि उसने पर साल कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया था। मान लेते हैं कि हर साल जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यू कितना है, 100 इन्वेस्ट किया, तो जो 100 पहले साल इन्वेस्ट किया था इस पे इसे 3 साल तक मिलेगा इंटरेस्ट, तो 3 साल तक 11% के हिसाब से मिलेगा, तो 33 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट। जो सेकेंड साल उसने इन्वेस्ट किया इस पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 22 रुपये का हो जाएगा। थर्ड ईयर वाले पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11 रुपये हो गया। टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया है 366। 366 रुपये उसे मिलना चाहिए था, लेकिन बोलता है कि ना, उसे जो मिला है वो मिला है 30012 करके। तो 366 यहाँ से अगर 3 से देखे तो कितने बार में चला जाएगा, 1 2 2, और यहाँ पे 3 10 0 0 4, इतना हो गया है। और हमें क्या चाहिए वैल्यू, चलिए 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 122 8, और हाँ जी 2 82 आ गया। तो फिर 100 का वैल्यू कितना हो गया, 100 का वैल्यू देखेंगे तो 8200 आ गया। तो बात है कि 8200 जो है उसने इन्वेस्ट किया था हर साल। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।